नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। सरगुजा पुलिस ने शहर से करोड़ों का सट्टा पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से सट्टे के कारोबार में संलिप्त थे। एडिशनल SP विवेक शुक्ला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। अप्रैल से लेकर अभी तक के खातों में अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन हो सकता है, लेकिन अभी के ट्रांजैक्शन से 9 करोड़ की जानकारी मिली है। वहीं पुलिस ने बताया इस पूरे गिरोह का सरगना युवक आयुष दीप सिन्हा है, जो अंबिकापुर के सत्तीपारा का रहने वाला है। सभी आरोपियों के द्वारा इसे ही पैसे दिए जाते थे और ये उन पैसों को बाहर ट्रांसफर करता था। वहीं पकड़े गए आरोपियों के सरगुजा पुलिस बैंक अकाउंट की जांच कर रही है और कई अकाउंट को बैंक से बात कर सीज करने की तैयारी चल रही है। नगर क्षेत्र में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि IPL का जो सट्टा है वह एक युवक है जो चलाता है, जिसकी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर हमारी पुलिस टीम पहुंची थी और वहां पर 2 युवकों को पकड़ा गया जो ऑनलाइन सट्टे का काम करते थे। उनको वहां पर जब पकड़ा गया तो उनके पास से 5,000 रुपये नकद एक युवक के पास से, जिसका नाम दीप सिन्हा उर्फ आयुष सिन्हा है, और साथ ही साथ एक अन्य युवक मुजाहिद खान, दोनों को ही वहां पर से गिरफ्तार किया गया। और दोनों के मोबाइल से ऑनलाइन सट्टे का जब हमने चेक किया, जिसकी अभी भी जांच की जा रही है, तो करोड़ों का सट्टे का हिसाब किताब उसमें हमको मिला है। और साथ ही साथ एक अन्य सूचना प्राप्त हुई कि इन्हीं के तारतम्य में, इसी क्रम में हमने जब और जांच की तो पता चला कि अन्य युवक जो हैं हरीश मनवानी, संदीप बरनवाल एवं संदीप अग्रवाल, इन लोगों का भी जो है कनेक्शन इन लोगों के साथ है और इन लोगों के सट्टा खिलाने का काम करते हैं। और दीप सिन्हा जो है एक मुख्य खाईवाल है, या मुख्य रूप से ये इन लोगों से अन्य सट्टा की रकम और सट्टा लेता था और फिर इसे आगे फॉरवर्ड करता था। तो उसके आधार पर हमने बाकियों को भी पकड़ा है और उनके मोबाइल से और उनके पास से संपत्ति भी बरामद हुई है, और साथ ही साथ इनका जो सट्टे का हिसाब किताब है वो हमें मोबाइल पे प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर इन पांचों के खिलाफ 4 का जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।